तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ट्रॉपिक मोमेंट एंड नास्टिक मोमेंट। तो ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मोमेंट एंड नास्टिक मोमेंट। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा बस आपको आंसर लिखना है, मतलब कि अभी जो मैं ट्रॉपिक मोमेंट और नास्टिक मोमेंट डिस्कस किया था बस उसी को क्या करना है, कंपेयर कर देना। ठीक है, अब आता है हमारा, अब हमें डिस्कस करना है प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। लास्ट टॉपिक आपका है प्लांट हार्मोन्स। यहाँ पे क्या है, प्लांट हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, मतलब कि जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट्स करेगा, मीन्स कि प्लांट की ग्रोथ के प्रमोट में क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड दूसरा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेगा। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में हमारे ऑक्सिन आएंगे, जिब्रेलिन आएंगे, साइटोकाइन, ये तीन हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एंड द सेकेंड इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आपका एब्सेसिक एसिड आएगा और इथाइलिन आएगा। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है प्लांट ग्रोथ के जो तीनों हार्मोन्स हैं प्रमोटर के, ये डिस्कस करने हैं, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के जो दो हार्मोन्स हैं इनको डिस्कस करना है। तो पहले हम प्रमोटर को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑक्सिन है। ऑक्सिन में द फर्स्ट इज प्रमोट सेल इलोंगेशन इन सूट। अब ऑक्सिन क्या करता है, अभी यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ में प्रमोट करेगा। तो ऑक्सिन का यहाँ पे काम क्या है, प्रमोट सेल इलोंगेशन इन सूट, सूट में सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है ऑक्सिन। द सेकेंड इज कंट्रोल फोटो कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म, ये फोटोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है। एंड ग्रेविटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म एंड ग्रेविटोट्रोपिज्म दोनों को ये करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अब पीछे हमने डिस्कस कर किया था फोटोट्रोपिज्म क्या होता है एंड ग्रेविटोट्रोपिज्म क्या होता है। ठीक है, एंड द थर्ड इज स्टिमुलेट्स फ्रूट डेवलपमेंट। अब ये प्लांट में फ्रूट डेवलपमेंट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ क्या है, डिले एजिंग इन लीफ एंड फ्रूट। ठीक है, ये लीफ एंड फ्रूट में एजिंग को डिले करता है। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा था ऑक्सिन। आते हैं साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन में क्या है, जिब्रेलिन पे। जिब्रेलिन में क्या है, लेंथ इंक्रीज। यहाँ पे हमने लेंथ इंक्रीज इसलिए लिखा है क्योंकि ये पार्टिसिपेट करता है लेंथ की इंक्रीज करने, लेंथ इंक्रीज करने में। ठीक है, स्टेम की, इसमें पहला क्या है, स्टिमुलेट स्टेम इलोंगेशन बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन। अब जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन ये करता है कि सेल स्टेम इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है। अब स्टिमुलेट कैसे करता है, सेल डिवीजन करके क्या करेगा, ये स्टेम इलोंगेशन को स्टिमुलेट करेगा। अगर सेल डिवाइड करता रहेगा कंटिन्यूअस तो क्या होगा, जो हमारा स्टेम होगा वो इलोंगेट होगा, मीन्स कि उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, कॉल्ड सेल इलोंगेशन एंड सेल इलोंगेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। ये सेकेंड इज स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स। अब ये क्या करता है, फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एंड फ्रूट के डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है एंड सीड जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है। मीन्स की द सेकेंड इज स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन। जो हमारा जिब्रेलिन होता है वो क्या करता है, फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। द सेकेंड इज फ्रूट डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। थर्ड, सीड जनरेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड आते आगे देखते हैं साइटोकाइनिन, ये थर्ड टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे साइटोकाइनिन में क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अभी हमने जब सेल डिवाइड डिवीजन दे पढ़ा था तो वहाँ पे क्या होता था, कैरियोकाइनेसिस होता था, साइटोकाइनेसिस होता। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो साइटोकाइनिन है ये साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, जिसकी यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। स्टिमुलेट सेल डिवीजन थ्रू आउट द प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करता है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद ये सेकेंड इज डिले एजिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ये लीफ और फ्लावर की एजिंग को क्या करता है, डिले करने का काम करता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनिंस मोर माइटोसिस। अब साइटोकाइनिंस क्या करता है, माइटोसिस करता है। मीन्स कि साइटोकाइनिंस जितना होगा उतना माइटोसिस होगा, और माइटोसिस हुआ तो मोर माइटोसिस हुआ, जितना माइटोसिस होगा उतने सेल्स बनेंगे, जितने सेल्स बनेंगे प्लांट जितना उतना ही ग्रो करना स्टार्ट करेगा या फिर उतना ही ग्रो करेगा। अब आते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर पे। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में दो टाइप के हार्मोन्स हैं। एक होता है एब्सेसिक एसिड होता है जिसको हम ABA बोलते हैं या फिर स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा, इथाइलिन है। ठीक है, हम थोड़ा पहले हम एब्सेसिक एसिड पढ़ लेते हैं। कॉज स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, ये कॉज स्टोमेटा क्लोज मतलब ये स्टोमेटा क्लोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेकेंड इज इनहिबिट्स स्टेम ग्रोथ एंड स्टिमुलेट्स रूट ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉट। अब ये क्या करता है, स्टेम ग्रोथ को
इनहिबिट करता है, मतलब कि स्टेम ग्रोथ को रोकेगा और रूट ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या वहाँ पे क्या होता है, मतलब सूखे में क्या होता है, ये क्या करता है, रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है, रूट इन द सर्च ऑफ वाटर, मतलब पानी की खोज में क्या करता है, बहुत गहराई तक चला जाता है धरती के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर, ठीक है। इसलिए ये रूट ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। द सेकेंड इज मेंटेन डॉर्मेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स, ये सीड में डॉर्मेंसी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। डॉर्मेंसी मतलब सीड को इनएक्टिव करके रखता है। अब आते हैं इथाइलिन पे। इथाइलिन में क्या है, इथाइलिन में गैसेस, मतलब ये जो इथाइलिन होता है गैसेस फॉर्म में होता है, इसमें क्या है, प्रमोट्स रिपेनिंग ऑफ फूड्स, ये फूड की रिपेनिंग को प्रमोट्स करता है। द सेकेंड इज प्रमोट्स एजिंग इन लीफ, ये लीफ की एजिंग को प्रमोट करता है, मतलब लीफ में जो एजिंग शो होता है वो इथाइलिन की वजह से शो होता है। द थर्ड इज प्रमोट्स लीव्स एंड फ्रूट ड्रॉप, ये लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप को प्रमोट करता है, मतलब इसी की वजह से लीव्स और फ्रूट क्या करते हैं, गिरते हैं, ठीक है। ये हमारा था प्लांट हार्मोन्स।